birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बनोगे बड़े होके ब्लॉगर बनोगे, एक्टर एक्टिंग भी करोगे, एक्टर भी बनोगे, किस तरह के एक्टिंग करोगे? वड खाने देंदे पंगे जान जाने लेंदे ऐसी बैठे आ बिठाए बंदे उठन नहीं दे तू मिनट मिनट पटने तू हस बलिए केरा कर दे तंग दस मनु बलिए चट गैंगली बना दे गंगरन कर दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? खैरियत से होंगी उम्मीद करता हूँ, सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ रोशन अफरीदी, आप चैनल देख रहे हैं रोशन अफरीदी 786। नाजरीन, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज कहाँ पर आया हूँ। आज आप देख सकते हैं सारे बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, आसपास भी और दोनों साइड में बैठे हुए हैं। बिलाल भी मेरे साथ बैठे हुए, ये पाँचों के पाँचे मेरे भतीजे हैं और भाई के घर आए हुए हैं, तो यहाँ पर मज़े मज़े के बातें करेंगे, रौनक लगाएंगे, ज़रा माहौल सजाएंगे और खूबसूरत बातें करते हैं कि क्या क्या करते हैं, क्या शौक है, बड़े होके क्या करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, सब सवाल करेंगे। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे जी आदम से, बात करेंगे सबसे बड़ा जो है मेरा भतीजा आदम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आदम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूं, खैरियत से। अच्छा ये बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, क्या क्या बनाया है वो भी मुझे दिखाओगे आप? यस। अच्छा क्या क्या पसंद है, किस किस चीज की पेंटिंग करते हैं आप? एनिमे। एनिमे, वो किस क्या क्या होता है? नाजरीन जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। कार्टून्स वगैरह। अच्छा कार्टून्स आते हैं, एनिमल्स वगैरह नहीं आते, बर्ड्स वगैरह? नो। और क्या क्या आता है? कार्टून्स ही है बस। ठीक हो गया। अच्छा ये करीब करके दिखाए जरा, ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त जबरदस्त पेंट बनाए हुए हैं, आर्ट्स बनाए हुए हैं। और ये इसके नाम भी बताओ आदम, इसके नाम भी बताओ, ये कौन कौन से है? ये गोकू है। ये एस एस एस, ये कौन सा है? वो गोकू है। ठीक है, वो वाला भी गोकू है। वो वाला भी गोकू है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त ये हैंड बनाया हुआ है, फीमेल्स का लगता है। और इसके साथ ये कार्टून आप चेक करें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। और बिलाल कह रहे हैं कि मैंने भी जाना है, ये कार्टून देख के ना बिलाल को भी मजा आ रहा है, इंजॉय हो रहा है। और ये ड्रैगन आप चेक करें, ये जितनी इसकी एज है, आदम एज क्या है आपकी? नाइन ईयर्स का है। और कितने कौन से क्लास में? वन क्लास में। और ये काम सिर्फ चेक करें, इतने खूबसूरत पेंटिंग की हुई, आर्ट्स की हुई है। ये एज और स्कूल क्लास के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि ये अगर बड़ा हो जाए और इसी काम में ही चलता रहे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, आर्टिस्ट बनेगा। हमारी दुआई आपके साथ है। आगे बात करेंगे, कासिम से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कासिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठीक हो। कासिम भाई आपको किस चीज़ का शौक है? पुलिस मैन बनने का। नहीं है, मैंने तो सुना था कि आपने एक्टर बनना है। नहीं, एक्टर नहीं बनना। एक्टर बताओ, कौन सा एक्टर पसंद है? सौरभ जोशी। वो कहाँ के? इंडिया का है। अच्छा उसके कोई डायलॉग सुनाओ, वो किस तरह का वो करता है, व्लॉग्स बनाता है या एक्टिंग करता है? एक्टिंग भी करता है, व्लॉग्स भी बनाता है। अच्छा व्लॉग्स भी बनाता है, मुझे बताओ जरा किस तरह करता है वो, एक डायलॉग जरा अच्छा सा डायलॉग मारो जरा कि पता चले। हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं? ऊंचा बोलो फुल स्पीड। हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं? नहीं इससे भी ऊंचा बोलो फुल। हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं? और इसके बाद फिर कैसे एक्टिंग करता है? डकी भाई कैसे करता है? डकी भाई वो ऐसे हाथ करके भी ऐसे करते हैं ना, हेलो ऐसे कैसे करता है? हेलो। और आगे फिर क्या बोलता है? आप देख रहे हैं डकी भाई है क्या अनदर व्लॉग के साथ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, इस तरह डायलॉग बोलते हैं। फिर बात करेंगे, कासिम ये बताओ क्या बनोगे बड़े होके? ब्लॉगर बनोगे, एक्टर एक्टिंग भी करोगे, एक्टर भी बनोगे, किस तरह के एक्टिंग करोगे, किस कौन से एक्टर पसंद है आपको? सलमान खान पसंद है, शाहरुख खान पसंद है, आमिर खान पसंद है, या डकी भाई पसंद है, या व्लॉगर पसंद है, कौन से पसंद है बताओ ना। सौरभ जोशी वही पसंद है, बस एक ही पसंद है, ऊंचा नाम ले लो कि उस तक पहुंच जाए इंडिया तक। सौरभ जोशी वो पसंद है, उसका क्या पसंद है?
एक्टिंग पसंद है या व्लॉग्स पसंद है? एक्टिंग। एक्टिंग पसंद है, अच्छा। इसके अलावा क्या करोगे बड़े होके? गरीबों की मदद करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। यूसुफ भी मौजूद है, यूसुफ से बात करेंगे। यूसुफ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। ये बताओ, मैंने सुना है कि गुड्डे वगैरह बनाते हैं आप, ये पतंग वगैरह? गुड्डे गुड्डे बनाते हो, शौक है? और क्रिकेट भी खेलते हो? यस। बड़े हो के क्या बनोगे? क्रिकेटमैन बनोगे, स्पोर्ट्समैन बनोगे या पतंगबाज बनोगे? पतंगबाज। पतंगबाज। नहीं यार, पतंगबाज नहीं बनना, कुछ और बन जाओ। है एक्टिंग का शौक है? यस। यस, कोई सुनाओ फिर डायलॉग। गाना आता है? नहीं। नात आता है? कुछ भी नहीं आता। अच्छा कासिम से पूछता हूँ, कासिम गाना आता है? सुनाओ फिर, अच्छा सा गाना सुनाओ। सुनाओ सुनाओ, अच्छा सा गाना सुनाओ। नात आता है? चलो नात सुनाओ। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने मौजूद है, जिसने कला कर कला में इलाही दिया, जिसने कला कर कला में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सलेला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सलेला, चूम कर ऐसी बात ये सुहाज, खुशबू चमके फूलों में कहाँ, जो खुशबू चमके फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीनों में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाजरीन, जैसे आपने सुनी एक नात कासिम ने हमें सुनाया है, बड़ा ज़बरदस्त नात सुनाया है माशाल्लाह। आदम से भी बात करते हैं। आदम गाना आता है? नहीं। नात आता है? बताओ ना, कोई गाना गाओ। पंजाबी के गाने सुनते हो या उर्दू के? मैं याद नहीं किए हुए। याद नहीं किए हुए? नहीं, कौन सा कोई थोड़ा बहुत नहीं है? नहीं याद। ड्रामे देखते हो, कार्टून देखते हो? कौन कौन से कार्टून देखते हो, वो नाम बताओ। एक है बाकी ने मैं ये ड्रैगन बॉल जी, फिर डोरेमोन नहीं देखते? नहीं, वो छोड़ दिया, कभी देखे ही नहीं। देखते थे, पहले देखते थे। अच्छा, डोरेमोन की जो गर्लफ्रेंड थी उसका क्या नाम था? शिजुका। नोबिता था। अच्छा, यूसुफ, यूनस, यूनस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? नाच सुनाओ, नाच सुनाओ। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कला में अलाही गिया, जिसने लाकर कला में अलाही गिया, वो नबी के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त नाद सुनाया है यूनस ने भी। और ये आदम की पेंटिंग एक दफा फिर दिखाते हैं, ये देखते हैं पेंटिंग, और इसके बाद भी बात करते हैं। ये दिखाया जरा, हम देखना चाहते हैं पेंटिंग जो है आदम की, ये आप देख सकते हैं, ये कितना ज़बरदस्त है और ये खूबसूरत खूबसूरत, ये आप चेक करें, अमेजिंग, क्या बात है। ड्रैगन है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल। इसमें पेंट भी होने वाली है, ये भी डायनासोर है, स्केच है, स्केच है, चलिए स्केच है, क्या बात है, ठीक हो गया। ये देखे जी, ये डायनासोर। आदम गाना सुनाओ।
मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है नी मेरे डब बत्ती बोर थले मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है बैठे घर विच मेरे जोन वजे यार है वड खाने देंदे पंगे जान जान लैंदे असी बैठे बिठाए बंदे उठन नहीं दे तू मिंट मिंट पट नहीं तू हस बलिए करा कर दे तंग दस मैनू बलिए जट गैंग नहीं बनाते गैंग रन कर दे वेपन रखे चढ़ते तो चढ़ते नहीं ये तो आप नात की तरह सुना रहे हो ना ऊंची आवाज से सुनाओ पंजाबी गाने तो हमेशा ऊंचे होते हैं तेज तेज होते हैं मुसे सिद्धू मुसे वाले जैसे उस स्टाइल में सुनाओ यही गाना मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार नहीं मेरे डब बत्ती बोर थले नी मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है बैठे घर विच मेरे जोन वजे यार है वड खाने देंदे पंगे जान जाने लैंदे असी बैठे बिठाए बंदे उठन नहीं दें तू मिंट मिंट पट नहीं तू हस बलिए केरा कर दे तंग दस मैनू बलिए चट गैंगली बनांदे गंग रन कर दे वेपन रखे चढ़दे तो चढ़दे नी मेरे डब बत्ती बोर थले काली कार है नी मेरे डब बत्ती बोर थले क्या बात है चाह गया यार चाह गया वो कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे लेकिन बच्चे वो शैतान की भी कहते हैं बाप होते हैं शरारतों में तो ये है कि बड़े ज़बरदस्त बात है कि गुफ्तगू क्योंकि इसके साथ अगले टॉपिक के साथ आते रहेंगे और ख़त्म करते हैं पाकिस्तान का एक नारा लगाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद तेज लगाओ ना ये तो पाकिस्तानियों की बात ही नहीं हुई पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद ये चीज़ इसके साथ न्यू टॉपिक के साथ आते रहेंगे हमारे साथ रहिएगा बहुत शुक्रिया जी खुदा हाफिज़ करो सब खुदा हाफिज़ एक और तेज खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़ खुदा